संसद के माध्यम से सरकार को सख्त संदेश देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत में जब भी कोई बड़ी क्रांति होगी तो वह दिल्ली बैठकर नहीं बल्कि जमीन से होगी, संसद भवन से नहीं बल्कि सड़कों से होगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है APJ अब्दुल कलाम का, जिसे राजीव दीक्षित ने अपने एक व्याख्यान में कोट किया था। तो आज मैं यह बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसानों ने अपने आंदोलन में एक नया स्वरूप जोड़ा है। किसानों ने एक बहुत ही अच्छा अभिनव सा प्रयोग किया है जिसका नाम है किसान संसद। तो किसान संसद की बात करने से पहले आइए सुनते हैं उस व्याख्यान के एक छोटे से अंश को। तो मैंने कहा जिस समय आप साइंटिस्ट थे तब भारत सरकार ने आपको मदद नहीं किया, ठीक है, समझ में आता। अब तो आप भारत सरकार के मुखिया हैं, अब तो आप प्रेसिडेंट हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब करना। तो उन्होंने कहा अब और मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कम से कम सरकार को सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे सुझाव सरकार को दिए हैं जिनको सरकार ने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक कोशिश की थी भारत के हित में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का ऐसा समूह जो यहाँ बैठ गया है ये तो कुछ करने नहीं देता है। और उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में ये स्वीकार किया है कि अब भारत में कुछ अच्छा होगा तो जमीन से कोई रिवोल्यूशन हो तो संभव है, दिल्ली बैठकर कुछ नहीं हो सकता। भारत में जब भी कोई बड़ी क्रांति होगी तो वह दिल्ली बैठकर नहीं बल्कि जमीन से होगी, संसद भवन से नहीं बल्कि सड़कों से होगी। हम यहाँ से अपने कानून पास करेंगे, वो सरकार को भेज देंगे, ये हम करेंगे। तो दोस्तों, मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही किसानों ने यह फैसला लिया है कि किसानों के द्वारा चुने गए 200 किसान प्रतिनिधि जंतर मंतर पर एक पैरेलल पार्लियामेंट लगाएंगे, जिसमें वो अपने अनुसार किसानों के हित में अपना नियम बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे और उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के लिए दबाव डालेंगे। तो यह बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम ने कहा था और जो राजीव दीक्षित का भी सपना था। तो इस अभिनव प्रयोग की हम प्रशंसा करते हैं। आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।